दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 29वां मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी चेन्नई की टीम, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड ने शानदार पारी खेली थी और वही बल्लेबाज थे जिन्होंने पहला अर्धशतक लगाया हो, लेकिन उनके सामने नंबर 4 के बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। दोस्तों आप सभी को बता दें, ऋतुराज गायकवाड तो काफी अच्छी पारी खेलकर 69 रन बनाकर 40 गेंदों में आउट हो गए थे हार्दिक पांड्या की इस गेंद पर, लेकिन तब आए शिवम दुबे मैदान पर। दोस्तों शिवम दुबे ने अपनी आकर्षक बल्लेबाजी का अंदाज वन खड़े के मैदान पर दिखाया और चौको छक्कों की लड़ी लगा दी। दोस्तों शिवम दुबे ने इस मुकाबले में बेहतरीन मैच को फिनिश भी किया। 267 रनों की नाबाद पारी के लिए शिवम दुबे ने 38 गेंदों में 10 छक्के व 2 चौके लगाकर, दोस्तों आप सभी को बता दें, अर्धशतक बेहतरीन पूरा किया और अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर 206 रन तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों आप शिवम दुबे की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं, वीडियो पसंद तो लाइक करें। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का एल क्लासिको 29वां मुकाबला शुरू हो चुका है, जिसमें कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और मध्य क्रम में शिवम दुबे ने उनका लाजवाब साथ दिया। दोनों ने मिलकर 100 रनों के आसपास की साझेदारी भी निभाई। जिस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया 30 गेंदों में, तो शिवम दुबे ने अपना अर्धशतक पूरा किया 28 गेंदों में। लेकिन जब ऋतुराज गायकवाड़ 69 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर 40 गेंदों का सामना करते आउट हुए, फिर उनके बाद डेरिल मिचेल भी 17 रन बनाकर आउट हुए, ऐसा लग रहा था चेन्नई को फिनिशिंग अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन तभी आखिरी ओवर में आए महेंद्र सिंह धोनी, 186 रन हो चुके थे, 19वें ओवर की 2 गेंदें हो चुकी थी। दोस्तों हार्दिक पांड्या की अगली ही गेंद पर आते ही अपनी पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने जड़ दिया लंबा छक्का, जिसे देखकर हार्दिक पांड्या भी काफी ज्यादा हैरान हुए। दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का चढ़ा। इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने, और अपना 250वां T20 मुकाबला भी पूरा किया। दोस्तों हार्दिक पांड्या परेशान थे, इसी चक्कर में एक और गेंद उन्होंने वैसी ही रखी और इस गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा शॉट खेल दिया और इस गेंद को भी छक्के के लिए पहुंचा दिया। 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए महेंद्र सिंह धोनी ने। आते ही अब आखिरी गेंद बची थी, दोस्तों अपने बाल गुजार रहे थे हार्दिक पांड्या, और आखिरी गेंद पर भी अच्छा शॉट लगाए महेंद्र सिंह धोनी ने और दौड़कर 2 रन लिए, 20 रन जड़ दिए आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम 4 गेंदों पर, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 206 रन तक पहुंच पाई। अगर धोनी आकर वो 3 छक्के ना लगाते तो 200 रन तक चेन्नई की टीम नहीं पहुंच पाती। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की इस खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप बिपिन साल्ट को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 28वां मुकाबला समाप्त हो चुका है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन ने खेली थी ताबड़तोड़ 45 रनों की पारी और 161 रन तक 7 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई थी लखनऊ की टीम। ऐसे में 162 रन के लक्ष्य का केकेआर पीछा करने उतरी। दोस्तों शुरुआत तो सुनील नारायण और फिल साल्ट ने ताबड़तोड़ दिलाई, लेकिन नारायण का बल्ला इस बार ज्यादा नहीं बोल पाया, क्योंकि मात्र 6 रन बनाकर मोहसिन खान की गेंद पर आते ही छक्का लगाने की इच्छा में सीधा स्टॉइनी को कैच दे बैठे इस तरीके से, जिस गलते आते ही सुनील नारायण मात्र 6 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों लेकिन उनके बाद अंगरकेश रघुवंशी भी आते ही इस तरीके से कैच दे बैठे और इनकी भी कैच राहुल ने ही लपकी, जिस गलते भी 7 रन बनाकर आउट हुए। ऐसा लग रहा था केकेआर के लिए मुकाबला फंस जाएगा, लेकिन फिर आए मैदान पर श्रेयस अय्यर और उनका साथ दे रहे थे फिल साल्ट, दोनों ने मिलकर मैदान पर चौकों की लड़ी लगा दी। जी हाँ दोस्तों, फिल साल्ट और श्रेयस अय्यर ने छक्के नहीं लगाए लेकिन चौके एक के बाद एक लगाए। दोस्तों उन्हें भी पता था 160 रन का लक्ष्य है, हर ओवर में 8 रन निकालने हैं तो 2 चौके लगाएंगे तो भी काफी हो जाएगा, जिस गलते बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया धीमी पारी खेलते हुए फिल साल्ट ने। लेकिन जैसे इनका अर्धशतक पूरा हुआ उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अंत तक श्रेयस अय्यर ने 38 रनों की पारी खेली, लेकिन फिल साल्ट ने खेली बड़ी पारी। दोस्तों 90 रनों की पारी खेली फिल साल्ट ने, 47 गेंदों में 3 छक्के 14 चौके लगाकर 8 विकेट से केकेआर को मुकाबला जिता दिया। जी हाँ दोस्तों, 15 ओवर में ही जीत गई केकेआर। दोस्तों फिल साल्ट की उनकी ताबड़तोड़ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन दोस्तों आप केकेआर की आसान जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कौन बताएगा। दोस्तों अगर आप भी निकोलस पूरन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2024 का 28वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। दोस्तों आप सभी को बता दें, टॉस जीतते ही जिसके चलते लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। क्विंटन डिकॉक व केएल राहुल सलामी बल्लेबाज बनकर उतरे, लेकिन शुरुआत इस बार इनकी खराब रही। आधे वैभव बरोरा की इस गेंद पर डिकॉक नारायण को कैच दे बैठे और 10 रन बनाकर आउट हुए 8 गेंदों में। दोस्तों के बाद इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पर आउट हुए दीपक हुडा भी मात्र 8 रन बनाकर, दोस्तों प्रेशर बढ़ रहा था, जिसके चलते इस तरीके से केएल राहुल भी आउट हुए 39 रन बनाकर 27 गेंदों में, जिसके चलते 3 विकेट जल्दी गिर गए। फिर उनके बाद स्टॉइनिस बड़े हिटर एक ही थे, लेकिन वो भी आते ही 10 रन बनाकर 5 गेंदों में चक्रवर्ती की इस गेंद पर कैच एंड बोल्ड हुए, जिसके चलते 4 विकेट जल्दी गिर गए लखनऊ के। लेकिन उसके बाद आए मैदान पर निकोलस पूरन, और आते ही मैदान पर निकोलस पूरन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। दोस्तों मैदान के हर कोने पर छक्का, हर कोने पर चौका जड़ा निकोलस पूरन ने।
और हमेशा की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इस मुकाबले में भी 200 लखनऊ का भरपूर फायदा उठा रही है। जो काम उन्होंने पिछले साल नहीं किया था, ये साल वो काम उन्होंने बाखूबी कर दिखाया। 200 मैदान के हर कोने पर छक्का होने पर छक्का और चौका लगाया। 200 अंत तक निकोलस पुरन ने 45 रनों की पारी खेली 32 गेंदों में। अंत में आकर वो स्टार की इस गेंद पर पीछे विकेटकीपर को कैच देकर आउट हुए, लेकिन 45 रन ठोक दिए निकोलस पुरन ने 32 गेंदों में 4 छक्के व 2 चौके लगाकर, जिस चलते 161 रन तक लखनऊ की टीम पहुंच पाई और केकेआर को यह मुकाबला जीतने के लिए 162 रन लगाने हैं। लेकिन दोस्तों, अब पुरन की इस बल्लेबाजी को 10 अंक कितने नंबर देंगे, कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें। दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 27वां मुकाबला समाप्त हो चुका है। मोहाली के मैदान पर शिखर धवन इंजर्ड थे तो सैम करन टॉस के लिए आए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने पंजाब को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पहले बल्लेबाजी करते पंजाब की तरफ से किसी भी खिलाड़ी ने 40 रन से ज्यादा नहीं लगाए सिवाय आशुतोष शर्मा के। यहां तक कि कप्तान करण भी 6 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते मात्र 147 रन पर ही पूरी पंजाब की टीम को घेर लिया राजस्थान ने। जी हां दोस्तों, 150 रन तक भी पंजाब की टीम नहीं पहुंच पाई राजस्थान की घातक गेंदबाजी के सामने। राजस्थान की तरफ से 2 विकेट आवेश खान, 2 विकेट केशव महाराज और चहल ने 1 विकेट निकाली। ऐसे में 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की तरफ से नए सलामी बल्लेबाज आए तनुष कुटियान, लेकिन आते ही 24 रन बनाकर 31 गेंदों में प्रेशर में आकर हो गए बोल्ड। इनके ऊपर गेंदों का काफी प्रेशर आ चुका था, जिसके चलते खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। उनके बाद यशस्वी जायसवाल अच्छी पारी खेल ही रहे थे, तभी वो भी शॉर्ट गेंद पर फंस गए। रबाड़ा की इस गेंद पर पीछे हर्षल पटेल को अपनी कैच दे बैठे, जिस गलत इस मुकाबले में 39 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते जायसवाल आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद सैमसंग आए, लेकिन ये भी 18 बनाकर रबाड़ा की इस गेंद पर आउट हुए LPW। दोस्तों, हालांकि ये नॉट आउट थे, लेकिन इन्होंने रिव्यू नहीं लिया और यही इनकी बड़ी गलती साबित हुई। उनके बाद इस तरीके से रियान पराग भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 23 रन बनाकर हर्षदीप सिंह की गेंद पर रबाड़ा को कैच दे बैठे। दोस्तों, काफी जल्दी विकेट जा रही थी, प्रेशर में आ चुका था और दब सा गया था राजस्थान के लिए मुकाबला। उनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी ध्रुव जरैल के रूप में। दोस्तों, ये गेंद थी हर्षल पटेल की और पीछे शशांक केतान ने इस तरीके से कैच को लपका, जिस गलत इस मुकाबले में 6 रन बनाकर ध्रुव जरैल आउट हुए। अंतिम 6 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तभी पोरेल भी इस तरीके से चूंकि यहाँ डेब्यूट कर रहे थे राजस्थान की तरफ से, सैम करन की गेंद पर ऐसे कर आउट हुए 11 रन बनाकर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आखिरी ओवर में मुकाबला आ चुका था। दोस्तों, आखिरी 6 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। शुरुआती 2 गेंदें तो अच्छी निकाली हर्षदीप सिंह ने, लेकिन अगली गेंद पर शेमरॉन हेटमायर ने जड़ दिया छक्का, जिसके चलते 3 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। दोस्तों, उसकी अगली गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया इस तरीके से शेमरॉन हेटमायर ने, और 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर राजस्थान को 3 विकेटों से शेमरॉन हेटमायर ने मुकाबला जीता। जी हाँ दोस्तों, एक और बार राजस्थान ने 3 विकेटों से शानदार मुकाबला जीता और पॉइंट्स टेबल के पायदान पर नंबर 1 के पायदान पर चढ़ चुकी है राजस्थान की टीम। लेकिन दोस्तों, आप राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 26वां मुकाबला समाप्त हुआ, जहां टॉस जीतकर राहुल ने पहले बल्लेबाजी को चुना। किसी बल्लेबाज ने 40 से ज्यादा रन नहीं लगाया लखनऊ की तरफ से, लेकिन आयुष बतौनी ने अंत में 55 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 167 रन तक पहुंच पाई लखनऊ की टीम 7 विकेट खोकर। ऐसे में 168 रन लगाने थे दिल्ली को यह मुकाबला जीतने के लिए 120 गेंदों में। डेविड वार्नर व पृथ्वी शॉ सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन मात्र 8 रन बनाकर इस तरीके से अपनी गेंद पर एज देकर इस तरीके से डेविड वार्नर बोल्ड होकर रह गए, जिस गलत इस मुकाबले मात्र 8 रन बनाकर डेविड वार्नर आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे डेब्यूटेंट बल्लेबाज जेक फ्रेसर मैकगुर्क। दोस्तों, इनको आज ही खरीदा था दिल्ली ने और ताबड़तोड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके सामने पृथ्वी शॉ भी 32 रन बनाकर 22 गेंदों में बिश्नोई की गेंद पर पूरन को कैच देकर आउट हुए, लेकिन इन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई। 200 नंबर 4 पर अपने आप को भेजा ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी के लिए। जी हां दोस्तों, कप्तानी आकर्षक नजर आई ऋषभ पंत की और बल्लेबाजी में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। आते ही मैदान पर चौका और छक्कों की लड़ी लगा दी। पता था ऋषभ पंत को किसी एक बल्लेबाज को इनिंग को एक्सेलरेट करना है और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने आप पर ली और आते ही मैदान पर चौके लगाना शुरू किया। कम से कम गेंदें खेलकर ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, उनका साथ तो जेक फ्रेसर दे ही रहे थे और इन्होंने अर्धशतक तो पूरा कर ही लिया था, तो ये रणनीति ऋषभ पंत ने काफी बेहतरीन आजमाई। देखते ही देखते 23 गेंदों पर 41